हरियाणा में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ साथ अब पर्यटक हॉट एयर बैलून सफारी का भी मजा उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले पिंजो में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्कूल शिक्षा और विरासत एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल के साथ सबसे पहले हॉट एयर बैलून सफारी की सवारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली सफारी का अनुभव बेहद अच्छा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह काफी सुरक्षित है। हॉट एयर बैलून संचालित करने वाली कंपनी ने सुरक्षा सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार लगातार पर्यटन गतिविधियां बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि आज से शुरू हुए इस हॉट एयर बैलून सफारी की व्यावहारिकता को देखते हुए राज्य सरकार कंपनी को 2 साल के लिए VGF के तौर पर 72 लाख रुपये देगी। कंपनी की ओर से इसका रेट 13,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति राइड निर्धारित किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा अब वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक खेल गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार द्वारा के पास वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जेट स्कूटर पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत की गई है। इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की पहचान की गई है। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। इस अवसर पर ADGP CID आलोक मित्तल, पंचकुला के उपायुक्त सुशील सारवान, DCP सुमेर प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खंडवाल, SDM कालका रुचि सिंह बेदी, शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, पूर्व विधायिका लतिका शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देखिए मित्रों, वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिकर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल सनराइज के समय से पहले उनको करना होता है, क्योंकि उनके अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा, और ये जो वादी है वैली है इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है सफर करने का वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब और हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अपना उनका तो रहता है कितना ऊपर ले जाना है कितना नीचे करना, साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये विंड शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेगा, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन जो अपना पिंजौर गार्डन, तो हमने अपनी गाड़ियां पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है एस्टिप की तरफ, तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया और बहुत नीचे भी ले आते हैं जब पेड़ों के साथ भी। अच्छा, बहुत से जानवर, जंगल जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा दृश्य बना। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे, कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है और
अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी, इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए सेंक्शन। सर आम लोगों के लिए कब से बुकिंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, क्या फेयर्स रहेंगे? 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल है इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे चढ़ेंगे। सामान्य आदमियों के लिए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स का जैसा इस पर टिकरताल पर हमने शुरू किया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट आज हथनी कुंड जो बैराज है वहां भी पानी की मात्रा है, तो वहां हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हम दोनों वहां जाएंगे।